रिसेंटली आपकी ही तस्वीर के ऊपर एक जो है वो मसाज सेंटर जो है वो अपनी प्रमोशन कर रहा था, अच्छी खासे पैसे आ रहे थे। ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि मसाज सेंटर जो है वो आपकी तस्वीर की प्रमोशन पे चल रहा है? हुआ ये था कि मैं सुबह, चूंकि जाहिर सी बात है नमाज के लिए उठी, तो 6:30 से 7 के दरमियान में 7 बजे दोबारा लेटी हूँ बिस्तर पे, तो हमारी आदत होती है फोन चेक करने की। मैंने फोन चेक किया तो मुझे 3-4 यूट्यूबर्स और कुछ अन्य नंबरों से ना कुछ लिंक्स शेयर हुए हुए थे और कहा गया था कि इस पे आप ना एक्शन लें। मैंने कहा पता नहीं ऐसे क्या है कि जो लिंक शेयर हुए हैं और इस पे किया हुआ है। मैंने उसको ओपन किया तो वो आगे से वो एक सारा प्रोसीजर था कि आपके, मैंने लिंक को क्या, पहले मैंने इसको फेसबुक पे स्क्रीनशॉट लेके लिखा कि इसको रिपोर्ट करें, फिर मुझे एक दो लोगों ने मशवरा दिया कि नहीं करो आप इस पे एक्शन लेते हैं। फिर मैंने अपने ऑफिस में बॉस को मैंने भेजा, उन्होंने इस पे सारी वो कार्रवाई करवा के, तो खैर वो पकड़े गए, अब FIA की कार्रवाई चल रही है। मेरे ख्याल से कि ये बड़े लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया बिकॉज ऑफ ये बोल्ड स्टेप था, लड़कियां नहीं लेती इस पे एक्शन, सीरियस नहीं लेती या फिर डर के मारे या फिर ये कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। तो मेरे ख्याल से कि ये एक लोगों ने क्या कह रहे हैं, लोगों ने तो जो कहना है वो कहेंगे सास की ना, लोग लोग तो ये कहते हैं सास की हमारी मर्जी से, लोगों के हाथ में हो ना तो वो जो खुदा की जात एक रिस्क देती है ना लोगों के हाथ में, ये होता ना वो भी तकसीम ना करें, वो भी अपने पास ही रखें। अरुसा तुम अक्सर माशाल्लाह नजर आती हो उनके साथ, इकरार हसन साहब के साथ, वसीम बदामी के साथ, यासिर शामी के साथ। ये बताओ कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा दोस्ती किसके साथ है? यासिर और इकरार के साथ। वसीम के साथ भी अच्छी है बट वो यहाँ पे होते नहीं है, वो कराची होते हैं तो उनके साथ वो एक मिलना जुलना कम होता है, बट इकरार के साथ सबसे ज्यादा है, उसके बाद यासिर के साथ है तो, और उसके बाद बदामी के साथ। अच्छा तो अरुसा खान गुनगुना भी लेती है? नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत बुरी आवाज है। मैं इकरार और लहसन या यासिर शमी थोड़ी हूँ जो मैं गुनगुना भी लूंगी, माशाल्लाह से वो गुनगुनाते हैं अच्छा, मैं नहीं गुनगुनाती। तो शेर शायरी? मुझे शेर याद नहीं रहते, मैं भूल जाती हूँ। अच्छा हाँ, मैं मुझे शेर शायरी पसंद है, मेरी अक्सर पोस्टों पे होती है बट मैं मेरे जहन में रहता है। एक शेर मुझे याद है, वो मुझे बहुत पसंद है, वो भी मेरे ख्याल से भी जहन से निकल गया। चले रहने दे। अच्छा ये बताएं कि अरुसा शादी कब करिए? यार ये एक वो सवाल है कि जो मुझसे हर प्लेट जहाँ भी आ गई ना दिमाग अटक जाता है, लेकिन मेरा प्लान है कि इंशाल्लाह मैं इस साल में कर लूंगी। इस साल में कर लेंगे? इस साल में मैंने खड़का दे दी है शादी, मैंने कर लेनी है, क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात हो गए ना, पाकिस्तान में अब रहना बनता नहीं है। लड़का मिल गया? नहीं कुछ ढूंढना हुआ है। अच्छा ये बता दे कि उसके नाम का पहला एब्रीविएशन बता। ये नहीं बताना। नहीं बता दिया तो राज खुल जाएगा। बेसिकली बस हो जानी है इस साल, लेकिन मैं शादी को उस तरह से नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा वो इस साल वो सलमान खान की तरह जो है वो अगस्त का महीना या फिर नहीं, पहले मैंने सोचा था फेब में कर लूं 14 फरवरी को। अच्छा लेकिन पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई बढ़ गई, टैक्स लग गए। अच्छा। अब सीखअप करती हूँ, लेकिन ये है कि मजाक के अलावा इस साल मैं कर लूंगी इंशाल्लाह, लेकिन ये है कि कोई डेट या कोई मंथ या कोई टाइम फाइनल नहीं है, बंदा भी अभी फाइनल नहीं है। एकदम यू टर्न ले लिया अरुसा, ध्यान से सीखा है इमरान खान, आई लव यू खान साहब, बहुत पसंद है आपने। अच्छा ये बताइए आपका पसंदीदा लीडर कौन है? इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी। अच्छा एज अ पॉलिटिशियन मुझे वो पसंद है, लेकिन अगर एज अ कारकर्दगी के हवाले से देखे तो वो नहीं पसंद है, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन वो इसलिए पसंद है कि वो मुफाहमत की सियासत भी सियासत उनको करनी आती है। अगर जरदारी साहब लॉयल होते ना मुल्क के साथ हमारे, तो मेरे ख्याल से कि हमारा मुल्क आज वाकई में कुछ और मुल्क होता, लेकिन उन्होंने पर उनका नजरिया है मुफाहमत की सियासत होनी चाहिए। हाँ मेरे ख्याल से वो एक बड़े दोस्त टाइप से पॉलिटिशियन है। हाँ। वो कहते हैं रिवेंज नहीं लेते, फिर उनके जो डायलॉग्स होते हैं वो कहते हैं आप भी चले हम भी चलेंगे, चलते हैं, तो बेसिकली वो एकदम से ना वो बदल देते हैं पूरा नक्शा। मरियम नवाज या फिर बिलावल भुट्टो? बिलावल भुट्टो। अच्छा हाँ मरियम नवाज नहीं, मरियम नवाज से बेहतर नवाज शरीफ साहब थे, मरियम नवाज वैसे खूबसूरत है लेकिन बिलावल भुट्टो मुझे पसंद, मेरे ख्याल से उनको आना चाहिए आगे। अच्छा अरुसा अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ऑफर आती है तो ज्वाइन कर लेंगी? मैं प्रोग्राम के लिए जरूर करूंगी, आउटडोर कोई प्रोग्राम मुझे मिलेगा तो मैं उसके लिए जरूर करूंगी, 2 दिन का जो प्रोग्राम होता है कर लूंगी।
सोशल मीडिया के लिए तो मैं नहीं जाहिर सी बातें करूंगी, उसकी तो मुझे ऑलरेडी ऑफर आती है, बट सोशल मीडिया तो नहीं मैं करूंगी क्योंकि अब डेली पाकिस्तान से ज्यादा तो कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है जो मैं करूँ. सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से होगी किसी प्रोग्राम की तो वो मैं इंशाल्लाह. अच्छा, बहुत सारी लड़कियां जो अभी सोशल मीडिया पे एंकर बनना चाहती हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आना चाहती हैं, उनको अरूसा खान अगर अपने तजर्बे में से 2-3 लाइनें निचोड़ के जो है वो बता सके कि अगर वो आना चाहती हैं तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखें. तो बेसिकली मीडिया में आने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने इरादों पर कायम रहना है, डट के रहना है, हर आंधी तूफान का सामना करना है, फिर जाके आपको जो है ना वो कोई टाइम लगेगा खड़े होने में, और फिर जब खड़े हो गए तो फिर संभल आप खुद ही जाओगे. तो ये एक छोटा सा मशवरा था मेरा. अच्छा, मशवरा तो बहुत मिजाजी रहनी चाहिए, मिजाजी तो हर काम में बहुत जरूरी है. अच्छा ये बताओ कि अगर कोई कुछ कहता है चाहे फैमिली हो या बाहर हो, तो अरूसा खान को उसकी बात बुरी लग गई और अरूसा को गुस्सा आ गया, तो अरूसा का रिएक्शन क्या होता है? फैमिली अगर मुझे कोई बात कह दे तो मैं चुप करके सुन लेती हूँ. बाहर कुछ कोई कह दे और गलत बात कह दे, मैंने इतना किसी को अलाउ ही नहीं किया हुआ कि मेरे सामने जो मुझे कुछ कह दे. पेट पीछे तो फिर सभी कहते हैं लेकिन अगर मेरे सामने कुछ कह दे तो मिडिल फिंगर. नहीं तो तुम उसी वक्त जवाब नहीं देती उसको? देती हूँ मिडिल फिंगर. कैसे? मिडिल फिंगर जो कि मैं भी नहीं कर सकती, बट मैं मिडिल फिंगर दिखाती हूँ. सोशल मीडिया पे कितने प्रपोजल आते हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझसे मिलने, पांच लोगों का भी मैं अपने घर वालों को भिजवाना चाहता हूँ. नहीं वो तो खैर बहुत ही आते हैं, अभी पिछले दिनों मुझे बता रहे थे बेचारे कोई 3-4 तो आते हैं ऑफिस में, आगे से गार्ड भगा देते हैं उनको. मुझे क्या क्या कहते हैं हमें अरूसा खान से मिलना है ये वो ना, तो भगा देते हैं गार्ड. वो अभी अभी आई होंगी तो उन्होंने रोका होगा, बिल्कुल अलाउ नहीं है उसे. वो बेचारी फायजा आ गई मेरी दोस्त अलग, वो इतनी दफा मेरे साथ ऑफिस आई है तो वो मैं सैलून बैठी थी तो साथ ही है, तो मैंने उसको उसने उसको आना था, मैंने कहा तुम ऑफिस चल के बैठो मैं आती हूँ, तो उसको गार्ड नहीं एंटर होने दे रहे थे कि आप नहीं एंटर हो सकते. मेरे गुस्सा की दोस्त हो उससे कहा जो भी यार उसका की परमिशन. तो बेसिकली इस तरह के लोग, मतलब फायदा के लिए मैं बात कर रही नॉर्मली आपके सवाल पे, कि आते हैं लोग मिल, मुलाकात नहीं मेरी आज तक कभी किसी से हुई, लेकिन गार्ड बता रहे होते हैं कि वो, और अक्सर लोग मुझे सोशल मीडिया पर इस बात की कंप्लेंट भी कर रहे होते हैं कि आपके सिक्योरिटी गार्ड हमें अंदर नहीं जा रहे थे. सो बाकी प्रपोजल तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा. ये सिलसिला तो चलता रहेगा. थैंक यू सो मच अरूसा कि आपने टाइम दिया और इन चैट्स बता रहे होते हैं कि वो, और अक्सर लोग मुझे सोशल मीडिया पे इस बात की कंप्लेंट भी कर रहे होते हैं कि आपके सिक्योरिटी गार्ड में अंदर नहीं जा रहे थे. सो बाकी प्रपोजल तो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. ये सिलसिला तो चलता रहेगा. थैंक यू सो मच अरूसा कि आपने टाइम दिया और इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी आपसे, आपसे आपकी शादी. इसके साथ ही मुझे इजाजत दी. अल्लाह हाफिज़.